चड्डा अंकल मिस्टर चड्डा, आप ये क्या कर रहे हैं? ओ दादाजी, आपको पता नहीं क्या? कोई कार थीफ आया है और एक हफ्ते में 20 कार चोरी कर चुका है। पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही, इसलिए मैं अपनी कार को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ कार थीफ इसे कैसे चोरी करेगा। अरे ये रोबो बॉय का भी कहीं पता नहीं, वो आजकल बहुत ही आलसी हो गया है, कुछ काम नहीं करता। चिंता मत करो बंटी, रोबो बॉय उसे जरूर पकड़ लेगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। मिस्टर चड्डा, आप चिंता ना करें, कार थीफ जल्दी ही पकड़ा जाएगा। रात मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो दिखा ही नहीं। वो बहुत चालाक है, उसको पकड़ने के लिए तो दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, उसे ट्रैप करना होगा। कार थीफ को पकड़ने के लिए मैं तुम्हें एक नई कार दूंगा, एक ऐसी स्पेशल कार जिसे देखकर कार थीफ चोरी करने की कोशिश करेगा और तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। दादाजी दादाजी, मैं अंदर था और कार थीफ बाहर से कार चोरी करके ले गया। ये रोबो बॉय का तो कुछ पता ही नहीं है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। मिस्टर चड्ढा, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। मैं अपनी कार के बिना ऑफिस कैसे जाऊंगा? वीर जिंटू को बुलाओ, वो मिस्टर चड्ढा की कार वापस ला देगा। जिंटू, मिस्टर चड्ढा की कार चोरी हो गई है, वो उन्हें वापस ला दो, वो बहुत दुखी है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, मिस्टर चड्ढा की कार उनको मिल गई है। ये कार हॉल में कैसे आ गई? अब इसे बाहर कैसे निकालूं? बंटी की माँ, ओ बंटी की माँ, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। मिस्टर चड्डा की कार कहाँ है? बंटी की मम्मी, जल्दी आओ, जल्दी। जिंटू, तुमने कार को हॉल में रख दिया, तुम ठीक तो हो? जल्दी से कार को वहाँ से गायब करो, जल्दी। तुमने कहा था मिस्टर चड्डा को कार वापस दो, वो हॉल में थे इसीलिए वही कार वापस कर दी। तुम मेरे काम से कभी खुश नहीं होते, ये लो जादू खत्म और मैं चला। ये हॉल क्यों तोड़ रहे हो जी, क्या कर रहे हो? ओए पता नहीं कार हॉल में कैसे कैसे आ गई। कार तो गई, ये कहाँ गई? कार हॉल में थी, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें तो हर जगह कार ही दिख रही है, जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ, पूरी दीवार तोड़ दी। चुलबुल, ये हंसने की बात नहीं है, इस चोर को पकड़ना ही होगा, मैं उसके लिए एक नई कार का ट्रैप सेट करता हूँ। मैंने कार थीफ को पकड़ने के लिए ये स्पेशल कार बनाई है। पकड़ लूंगा, आप लोग भरोसा रखिए। सॉरी, इस समय कुछ जरूरी काम है। रोबो बॉय,
मैं कोई मामूली चोर नहीं जिसे तुम पकड़ सको। मैं हूँ कार थीफ जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। बाय 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 रोबो बॉय। रोबो बॉय मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। आज तो तुम बच गए कार्थिव, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। फुर्सतगंज के निवासियों, आप लोग चिंता ना करिए, मैं उस कार थीफ को जल्दी ही पकड़ लूंगा, वो मुझसे बच नहीं सकता। ये बीएचएसी दो दो कार कैसे, एक खड़ी है दूसरी ट्रक में जा रही है, ये क्या हो रहा है? चुलबुल कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी वीर को ढूंढो और उसे कहो मैं इस ट्रक में हूँ, इसका पीछा करे। एक मिनट दोस्तों, लगता है कार थीव मेरी ही कार चोरी कर रहा है। देखते हैं तुम्हारी कार तेज चलती है या मेरा ट्रक। रोबो बॉय, मैं मामूली चोर नहीं, कार थीफ हूँ। फिर मिलेंगे, बाय बाय। यहाँ कैसे? मैं बताती हूँ, पहले उसका पीछा करो। ये मेरा इलाका है, ये कार मेरे सिपाही है, आज के बाद तुम किसी चोर को पकड़ नहीं पाओगे। रोबो बॉय लौट जाओ, अभी भी समय है तुम्हारे पास, लौट जाओ वरना। रोबो बॉय खेल खत्म, पैसा हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। एक्स्ट्रा पावर ऑन, एक्स्ट्रा पावर ऑन। इमली तुम ठीक तो हो ना? हाँ वीर मैं ठीक हूँ, चलो उस चोर को थोड़ा और सबक सिखाया जाए। नो
नो नो नो नो नो नो डोंट डू इट डोंट डू इट रिमोट छोड़ दो। मस्क्यूटा, आज बॉस को बताने का समय आ गया है कि तुम दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकते हो। चलो चलो बॉस का मास्क बना दो। थैंक यू टिम्बकटू। ये लो तुम्हारे बॉस मैड मैक्स का मास्क। ये कैसे हो गया? मैं इतना मोटा कैसे हो गया? ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता। You are fat, boss. Very, very fat. She is right, boss. She is right. ये टिम्बकटू की आवाज कहाँ से आई? वो देखेगा तो मुझ पे हंसेगा। लेकिन बॉस, मैं तो मिरर में देख ही नहीं रही हूँ। तुम इतनी स्लिम हो कि मिरर में दिख ही नहीं रही। थैंक यू बॉस, थैंक यू। ये तो मैंने बोला नहीं, फिर मिरर कैसे बोला? Something is wrong, boss. Meow. She is right, boss. She is right. ये तो टिम्बकटू है, लेकिन चेहरा मेरा है। कैसे? कैसे? ये क्या मजाक है टिम्बकटू? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये मेरा मास्क कहाँ से आया? बॉस, ये है मिस्टर मस्क्यूटा। ये दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकता है। देखो बॉस, इसने एक और मास्क बना दिया। कैट मोना, अटैक, अटैक! कब से वीर को इस तरह चिल्लाते हुए देखना चाहता था। आज दिल को ठंडक मिल रही है। मिस्टर मास्क्यूटा वीर का मास्क पहन के शहर में इतना हंगामा करेगा कि लोग परेशान होके वीर को फुर्सतगंज से निकाल देंगे। और फिर वीर मेरा होगा। कैसा है मेरा प्लान? You are genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते। साइकिल चलाना मना है। रुको रुको, सुनो वीर, सुनो। अगर वीर साइकिल चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। केकी फेकी, चलो। बंटी स्टॉप, ये क्या कर रहे हो तुम सब? डोंट वरी सर, प्रिंसिपल सर ने कॉरिडोर में साइकिल चलाने की परमिशन दे दी है। प्रिंसिपल मैं हूँ और मैंने परमिशन नहीं दी है। सॉरी सर। ये आज सब स्टूडेंट्स कॉरिडोर में साइकिल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि तुमने सबको कहा कि मैंने परमिशन दे दी है। तुमने पहली बार ऐसी हरकत की है, इसलिए क्लास के बाद एक घंटे का डिटेंशन देकर छोड़ रहा हूँ। फिर कभी ऐसी हरकत की तो देखना। सर, सर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ सर, वीर तो मेरे साथ था। दो घंटे का डिटेंशन। लेकिन सर, ढाई घंटे का डिटेंशन। मेरे खिलाफ कोई तो साजिश कर रहा है।
कोई मुझे फंसा रहा है, लेकिन कौन? मिस्टर मास्क्यूटा, आपने स्कूल में तो अच्छा हंगामा किया, अब जरा बाजार में भी ऐसा ही कुछ कर दो। ये दोस्तों, चॉकलेट्स और मिठाई खानी है। हाँ। ये क्या कर रहे हो? ये लो। अरे बच्चों हटो हटो, ये मेरी चॉकलेट है। ए, भागो भागो बच्चों, शू, भागो भागो, खबरदार एक भी चॉकलेट को हाथ लगाया तो। ये वीर को क्या हो गया? चलो दादाजी के पास। आप लोग जो कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग भी झूठ तो नहीं बोलेंगे। एक मिनट दीजिए, मैं वीर से अकेले में बात करता हूँ। दादाजी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है वीर, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर इनबिल्ट कैमरा की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ कि दिन भर तुमने आज क्या किया। तो तुम्हें बदनाम कर रहा है, कोई जरूर तुम्हारा हमशक्ल है जो ये सब करके तुम्हें फंसा रहा है। दादाजी मैं उसका पता लगाते ही रहूंगा। मैं जाके लोगों को समझाता हूँ, तुम चिंता मत करो। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरा हमशक्ल यहाँ आएगा तो मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। वो देखो एकदम मेरे जैसा। क्या कर रहे हो? रुको। जल्दी छूट गए, जल्दी छूट गए। प्रिंसिपल सर ने कहा है आज छुट्टी है, सब घर जाओ। रुक जाओ, सब रुक जाओ। मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगा। वीर, इस बार तुमको स्कूल से ही निकलवा दूंगा। हाँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बाय वीर। प्रिंसिपल सर को कहना मेरा हमशक्ल ये सब कर रहा था, मैं अभी जाके उसको पकड़ता हूँ। सॉरी रोबो बॉय, सॉरी। इट्स ओके। Diving suit on. छोड़ दो मुझे, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हारा मास्क लगा के लोगों को बेवकूफ बनाया। टिम्बकटू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। छोड़ दो मुझे। ओ, तो तुमको मैड मैक्स ने भेजा है और तुम मास्क बनाने में एक्सपर्ट हो। वेरी गुड।
ये रहा वीर का हमशक्ल जो वीर को बदनाम कर रहा था। वैसे वीर कहाँ है? ओह वो स्कूल में है। इसने सबको बहुत परेशान किया है। इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो। अब वो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। ताता जी, कल से मेरी आंख बंद नहीं हुई। मैं सो नहीं पाया और बंटी का मुंह बंद नहीं हुआ। कभी मच्छर कभी मक्खी बार बार घुस रहे हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। ये देखिए, पापा का हाथ कैसा टेढ़ा हो गया है। पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सबको हुआ है। हम भी अभी टीवी में यही न्यूज देख रहे थे। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बीमारी है। ये बीमारी आज से 100 साल पहले मध्य सागर के कालुका द्वीप में होती थी। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? किसी माइग्रेटरी बर्ड के साथ आ गई होगी। जब बर्ड्स एक शहर से दूसरे शहर उड़कर जाते हैं तो उनके पंजों में कई जर्म्स बैक्टीरिया साथ आ जाते हैं। उन गांव वालों ने इसका इलाज कैसे किया? वहाँ के एक लोकल डॉक्टर ने इसका इलाज ढूंढा और वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। दादाजी, लेकिन ये तो 100 साल पहले की बात है। अब पता नहीं ये फूल वहाँ होगा कि नहीं। ये तो जाके ही देखना होगा। वीर, तुम लोग स्पेसशिप से चले जाओ। अपना ध्यान रखना। दादाजी, मैं उड़ने वाले पंख भी ले जाता हूँ। क्या पता कभी बिना स्पेसशिप के चुलबुल को भी उड़ने की जरूरत पड़ जाए। तुम ठीक कहते हो वीर, पूरी तैयारी के साथ जाओ। ये लोग बात करने के मूड में ही नहीं है। अभी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। वीर, जंगल में वैसे भी कितने सारे जानवर होंगे। तुम लोग भाग जाओ, मैं भोला भाला डोंकी बनके इन पे जासूसी करूँगा और वो फूल कहाँ है पता करके तुम्हें बताऊँगा। गुड आइडिया चुलबुल। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। हुला हुला तीरु भाला तीरु भाला। जानवर बन के जासूसी करने का आइडिया फ्लॉप हो गया। इमली चुलबुल खतरे में है। उसके साथ एक और लड़का है, उसे भी बांध रखा है। दोनों को बचाना होगा। अच्छा हुआ उड़ने वाले पंख साथ लाया हूँ। छोड़ दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हदीसा, हदीसा। हुला, हुला, ले जाओ इसे। आज हदीसा को चोरी के जुर्म में तीरों का सामना करना होगा। हदीसा।
न्यूकी न्यूकी पीछा करो। थैंक यू वीर। यू आर वेलकम चुलबुल। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ओ, तुम हमारी भाषा बोल सकते हो, बहुत अच्छा। हुला हुला न्यूकी न्यूकी इधर इधर से चलो, वहाँ बहुत सारे अनासी के जाले हैं। अनासी के जाले, वो क्या है? ओ, तो मकड़ी के जालों से डर के तुम्हारी न्यूकी यानी कि मधुमक्खी इधर नहीं आती। अच्छा, अनासी मीन स्पाइडर। ओके, मेरा नाम अदीसा है। मेरी दादी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए सरदार मुझे फूल की पत्ती नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने चुराने की कोशिश की और पकड़ा गया। वो फूल चुराना क्यों पड़ा? फूलों पे तो सबका हक होता है। उस फूल से हर बीमारी का इलाज होता है, इसलिए अदूजा वो फूल पूरे गांव में कहीं और पैदा होने नहीं देता। सिर्फ उसके पास ही एक फूल है और उसी फूल का डर दिखा के सबको गुलाम बना के रखता है, क्योंकि सबको कभी न कभी उस फूल की पत्ती की जरूरत पड़ती है। अदूजा कौन है? क्या वो तुम्हारा सरदार है? नहीं, वो रानी का सेनापति है। रानी भी उससे डरती है और वो जो कहता है रानी वही करती है। फिर तो हमें भी वो फूल बिना मांगे चुपचाप लेकर जाना होगा। हमारे शहर में बहुत लोग बीमार हैं और हम ये फूल लेने आए हैं। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ओके, जैसे ही वो मेरा पीछा करने लगेंगे तो मैं फूल की पत्तियां तोड़ के उड़ते हुए वापस उसी पेड़ पे रुक जाना, मैं वही मिलूंगा। हुला हुला तीरू भाला, हुला हुला तीरू भाला। फूल चुराने की हिम्मत की है, आज तुम्हें हमारे तीरों का सामना करना होगा। रानी साहिबा, मेरा नाम वीर है। मेरे शहर फुर्सतगंज में सब लोग बीमार हैं और मैं सिर्फ ये फूल की पत्तियां लेने आया हूँ। नहीं, तुम हमारे पवित्र फूल को छू भी नहीं सकते। हम तुम्हें अभी खत्म कर देंगे। खत्म करना है तो खुद अपने दम पे खत्म करो। ये हुला हुला तीरू बूरा कह के दूसरों से तीर और भाले क्यों चलवा रहे हो? तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हो? मंजूर है, युद्ध होगा। हुला हुला। वीर, एक बार सोच लो, इससे जीतना असंभव है। दादाजी कहते हैं जो असंभव को संभव कर दे उसे ही वीर कहते हैं। ये मेरे और इस गाँव वालों के हक की लड़ाई है। अगर मैं जीत गया तो आज के बाद किसी गांव वाले को आप ये फूल लेने से मना नहीं करोगे, किसी को भी गुलाम बना के नहीं रखोगे। मंजूर है, हम तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं। युद्ध शुरू हो। अदूजा, 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 अदूजा। डिसेंगेज, डिसेंगेज, रोबोटिक चिप टूटने का खतरा, डिसेंगेज। बहुत बहादुर हो,
तुम फूल की जितनी पत्तियां चाहो ले जा सकते हो। आज के बाद इस फूल पे हर गांव वाले का हक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, उस बीमारी की दवा तैयार हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा काम है घर घर जाके इसे सबको पिलाना। दादाजी, ये काम मैं करूँगा। ने एक बार फिर फुर्सतगंज को बचा लिया। उसने इस बीमारी की दवा खोज निकाली और पूरे फुर्सतगंज को इस दवा से ठीक कर दिया। थैंक यू रोबो बॉय,